भैया फिर आज किसी से लड़के आए हो ना, माया फटी हुई कमीज देखेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी। तुम मेरी शिकायत करोगी? ना, मैं माँ को बोलूंगी मैंने फाड़ी। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, क्यों खड़े होकर घर में चिल्ला रहे हो? ये देखो तुम्हारे सपूत ने क्या हाल किया इन बच्चों का। अरे वो लाट साहब है कहाँ? वो तो घर की तरफ ही भाग कर आया था। मंगल, अरे मंगल, क्यों रे तूने मारा इन बच्चों को? इन्होंने मुझे माँ की गाली दी थी तो क्या हुआ, मुझे गाली दी थी ना? तुम्हें नहीं, मेरी माँ को गाली दी थी। बस चिमटा रहे उसी के मुर्दे से। मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ, मैं तो तेरे बाप की नौकरानी हूँ ना। अरे कल मुहे आज आज मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगी। बोल बोल, मारेगा मारेगा, बोल। बस अब रहने दो, बहुत हो चुका। तुम लोगों ने क्यों गाली दी? ये रोज स्कूल में हमारा खाना चुरा के खा जाता है। क्या खाना चुरा के खा जाता है? क्यों रे, क्या कह रहे हैं लोग? बोलता क्यों नहीं? क्या तू अपना खाना घर से लेकर नहीं जाता? नहीं, माँ भैया को खाना नहीं देती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, अब ये बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हें ब्याह कर इसलिए नहीं लाया था कि तुम बिना माँ के बच्चे को भूखा मारो। मैंने तो यह सोचा था कि तुम माँ बनकर इसे अपने सीने से लगा लोगी, लेकिन तुमने इसकी हालत कर दी। क्षमा करना बेटा, मुझे पता नहीं था कि तू अपने घर में ही फाका कर रहा है। बेटे, उस थप्पड़ की चोट तुझसे ज्यादा मुझे लगी है। मंगल बेटे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए हवालदार से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं चाहता हूं तू पढ़ लिख कर बड़ा हो के पुलिस में भर्ती हो, वो भी सीधा सब इंस्पेक्टर। जानता है मैं तेरे लिए क्या लाया हूं? देख। ये रे, इंस्पेक्टर की वर्दी, मैं तेरे जन्मदिन के लिए लाया था, तू इसे आज ही ले ले। अब बोल बोल, तू मेरा सपना पूरा करेगा ना? बोल बेटे, तू मेरा सपना पूरा करेगा ना? हाँ। मंगल बेटे। अरे भंडारी, ये फाइल लो और शर्मा जी को भी संभालो। ओके सर। शर्मा जी, आप भंडारी साहब के साथ चले जाइए और चोरी के बारे में आपको जो कुछ भी मालूम हो वो इन्हें बता दीजिए। चलिए सर। लाल सिंह डाकू थोड़ी देर पहले महाजन टोले के चायखाने में देखा गया। तुमने उसे देखा? मैं अगर देखता तो हथकड़ी पहने हुए स्वतः आपके सामने मौजूद होता सर। ठीक है, अगर वो पकड़ा गया तो अपनी रिपोर्ट में मैं यही लिखूंगा कि उसकी खबर तुम्हें दी थी। तुम्हें मालूम है कि उसकी गिरफ्तारी पे सरकारी इनाम दुगना कर दिया गया है? जी सर। और आपको तो वो खासतौर पर धमकी दे चुका है सर। अरे भंडारी, जिसे अपना सर हथेली पे रखना ना आता हो उसे पुलिस में काम नहीं करना चाहिए। सुनो, तुम सादा लिबास वालों को टो के लिए भेज दो। राइट सर। मैं शिवपुर के दौरे पे जा रहा हूं, वहां से वापस आने के बाद मैं लाल सिंह को ढूंढूंगा। गोली मत चला ठाकुर, मैं हूं सरजू। तो सरजू, क्या खबर लाए हो? ठाकुर, इंस्पेक्टर गुप्ता अपने खास हवलदार पांडे के साथ दौरे पे जा रहा है। दौरे पर नहीं, परलोक जा रहे हैं। हम एक बात बोले ठाकुर? बोलो। देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, बिसर जाओ। पुलिस वालों से भिड़ना अच्छी बात नहीं, हम कहीं और निकल चलते हैं। नहीं सरजू, ये नहीं हो सकता।
उन्होंने हमारे 5 साथियों को गोली मारी है और हमें जेल भिजवाया। अरे वो तो हम ही थे जो जेल तोड़कर बाहर निकल आए, वरना उस सजा को भुगतने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता। तुम कुछ भी कहो सरजू, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटी सुषमा, हमारे जाने के बाद अपनी मम्मी को तंग नहीं करना है। नहीं तंग करूंगी। अरे राजा, ये मंगल को भी साथ लिए जा रहे हो? सर आप तो जानते हैं घर में महाभारत छिड़ी रहती है, इसीलिए मैं इसे कुछ दिनों के लिए बाहर रखना चाहता हूँ और सोचता हूँ सर दौरे से वापस आने के बाद इसे किसी हॉस्टल में दाखिल कर दूं। ठीक है बेटा, बैठो। बाय। मैंने सोचा था राजनाथ के दूसरी शादी करके तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन लगता है तुम और दुखी हो गए। राजनाथ, बच्चे को लेके यहां से चले जाओ। नहीं सर, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। बुजदिल कमीने, हिम्मत है तो सामने आना। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, मैं हवलदार पांडे को नहीं बचा सका। और इंस्पेक्टर गुप्ता का क्या हुआ? वो शायद बच जाए, गोलियां तो सब निकाल दी। सर लाल सिंह का अभी तक कुछ पता नहीं चला, तलाश जारी है, सारे रास्ते सील कर दिए हैं, तमाम चेक पोस्टों को खबर कर दिए हैं। लेकिन आप लोग बच्चे की तलाश के बारे में क्या कर रहे हो? जानते हो बच्चे की तलाश और उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। ए लड़के, ये कोई सोने की जगह है, चल घर जा अपने। उठ। कौन? तू तो जख्मी है, कौन है तू? मेरे पिता मर गए हैं। और माँ? माँ सौतेली है, उसने घर से निकाल दिया। उस्ताद, अफीम लोड कर दी है और गाड़ी भी तैयार है, चलिए। चलो मेरे साथ। साथ इसको कहां लेके जाएंगे? ये बच्चा जख्मी है, देखते जाओ। आओ मेरे साथ। नाका आ गया उस्ताद, लगता है गाड़ियां चेक हो रही हैं। तुम फिक्र ना करो, गाड़ी सबसे आगे लो। ओके। रोको भाई, गाड़ी रोको। ए तुम आगे कैसे आ गया? ये मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गया है साहब,
शहर ले जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। ये देखिए, ओ ये तो बहुत घायल है, तुम जा सकते हो। ए, जाने दो, जाओ। अरे इस बच्चे के कदम तो बहुत मुबारक निकले, पूरे 15,000 रुपए का फायदा हुआ है। इस बात पे तो हम भी कायल हो गए उस्ताद। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा, किसके बेटे हो? मैं राजनाथ पांडे का बेटा हूँ। उस साले हवालदार पांडे का बेटा है तुम? अरे रे रे रे, बात सुन, बात तो सुन बेटा। कोई मेरे पिताजी को गाली देगा तो मैं तो जान से मार डालूंगा। अरे तू तो शेर का बच्चा है, टाइगर है, टाइगर बोल हमारे साथ रहेगा? तुम लोग मेरे पिताजी को गाली तो नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, बोल रहेगा। लेकिन बेटा हम लोग शरीफ आदमी नहीं है। और मुझे शरीफ बनना भी नहीं है, शरीफ लोग तो जल्दी मर जाते हैं, जैसे मेरे पिताजी। मुझे अभी मरना नहीं है, बड़ा होना है और अपने पिताजी के हत्यारों को ढूंढना है। लो ठाकुर, आखिरी बूंदे हैं, बड़े आराम बड़े प्यार से पीना। बहुत जल्दी कर दी ठाकुर, अब क्या करोगे? अब चलते हैं काली माता के मंदिर के पीछे से अपना खजाना निकालते हैं। वो तो कहो कि जेल जाने से पहले मैंने आखिरी डाके का सारा माल खोद कर वहीं गाड़ दिया था, वरना आज फकीरों की सी हालत होती। मतलब ठाकुर वो बात सच है कि आखिरी डाके का माल तुम्हारे पास है? हाँ। वो तो कम से कम 8-10 सेर सोना होगा ठाकुर। हाँ हाँ इतना तो होगा। इसका मतलब ये कि हम लोग रईस है ठाकुर, जो हमारे साथी जेल में या जो मर गए उन सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। नहीं सरजू, वो माल नहीं बचेगा। ये क्या कह रहे ठाकुर? वो माल सिर्फ मेरा है। वैसे तू बहुत वफादार साथी है सरजू, लेकिन बहुत पुराना हो गया है और अब कोई भी पुरानी चीज मैं अपने साथ रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं। बार यहां आने से क्या फायदा टाइगर, जो होना था वो हो चुका है, उसे ढूंढने से कुछ हासिल ना होगा और जो होने वाला है वो हमें मालूम नहीं, इसलिए अपने आज में जियो। यहीं पे मेरा बचपन गुम हुआ था, यहां पे अब तक मेरे बचपन और मेरे पिता के खून की महक महफूज है।
बार बार यहां आता हूं अपने आप को ये याद दिलाने कि मैं अपने अतीत का कर्जदार हूं और वो कर्ज मुझे अदा करना है। किसका कर्ज अदा करोगे, किससे बदला लोगे? मालूम नहीं लाल सिंह जिंदा भी है कि मर गया। यहां जब आता हूं तो यहां की जमीन कहती है मुझसे कि वो जिंदा है और अपनी मौत के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन अब तो उसकी शक्ल भी बदल चुकी होगी टाइगर, कैसे पहचानोगे? उसकी आस्तीनों से मेरे पिता के खून की महक आएगी। हाँ हाँ, जब आस्तीन महकेगी तो सूंघ लेना। बस ये बस है, जुड़न का टोला है। अरे कमर का हारमोनियम बज गया आया। अरे मिर्जा जी, जवानी में ही आलम है तो बुढ़ापे में क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, मगर गुलशब वो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी जुल्फ में आकर जो भुनगा आ फंसा होगा, न उसका कुछ अता होगा न उसका कुछ पता होगा, फकत वो ना पता होगा। परवाज भाई, भगवान के लिए शेर शायरी बंद की। अब बंद कर दी, बहुत थक गए, थोड़ी चाय पिलवा दीजिए। हाँ हाँ, मेरे मुंह की बात छीन ली, अमर सामने होटल है, चलिए। पहले आप, पहले आप, पहले आप। लगता है पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी। हाँ हाँ हाँ, छूट जाएगी, मगर कैसे छूट जाएगी? परवाज भाई, आप चाय पर कितने शेर कह सकते हैं? अमा कहने पे आऊँ तो उतने कहूँ कि जितनी दार्जिलिंग और आसाम में चाय की पत्तियाँ हैं। बिलबदी अर्ज किया है, चाय की पत्ती अगर की पत्ती है। कविता देवी, कविता देवी। कौन कविता? हमें कमाल करके और उस्ताद, कविता देवी नहीं मालूम? आह क्या गाती है, माँ कसम क्या नाचती है। आह बात तो तब होगी महफिल यहाँ जम जाए। अरे क्यों नहीं उस्ताद, तुम सिर्फ आवाज करो, महफिल ही जमा देता हूँ। बोलो, देखो तो छोड़ी चाय को, प्रोग्राम ये। नमस्ते कविता देवी। अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते कह रही है। वाह वाह, आप क्या गाना गाती है माँ कसम, बहुत अच्छे। उस्ताद है ना उस्ताद, वो आपके बहुत बड़े फैन है। वो कह रहे थे आपकी कवाली सुनेंगे, हमने कहा जनाब आज महफिल यही जम जाए। देखिए कवाली कोई कुल्फी है कि यहाँ जम जाएगी, हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप हॉल में तशरीफ लाइए। नहीं साहब नहीं, आज आज महफिल यही जमेगी। हमारे उस्ताद है ना उस्ताद, वो आपके बहुत बहुत बड़े फैन है। भाई साहब फैन की जरूरत नहीं, यहाँ पे हवा चल रही है भाई मियां। हम उस फैन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं मैडम, वो हमारे उस्ताद है ना। मैं समझ गया, वो इनके बहुत बड़े फैन है, मद्दा है, मगर हुजूर आप अकल के नाखून लीजिए। नाखून, वाह वाह वाह, क्या नाखून है हमारे उस्ताद, माँ कसम इन्हीं नाखून के तो फैन है, सच बोल रहा हूँ मैं। क्या तमाचा अर्ज किया है, मिसरे उला की तरह, मिसरे सानी की तरह मुकरर दूसरा है। लड़के चुप, सुनो तुम गाओगी तो यही गाओगी, वरना उठा के घर ले जाएंगे, समझी? गाओ, चलो उठ। और अरे टाइगर के इलाके में लड़कियां नहीं छेड़ते। अबे बड़ा आया टाइगर, आप जाइए बैठिए। अपने कुलभूषण का बेटा है साहब।
तो तुम हो टाइगर भाई, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी। मैंने भी आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मुलाकात अब हुई है। हर काम अपने वक्त पर होता है टाइगर। आज तुम मिले हो, भगवान की दया से कुछ तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और कुछ हमारा भी। आज तुम जिस आदमी की जगह लेने जा रहे हो, वो पिछले 7 साल से हमारे साथ था। था? हाँ, कुछ दिन पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कुछ बताता, किसी ने उसे लॉकअप में गोली मार दी। किसी ने? अब ये बातें भी तुम्हें बताने की जरूरत है टाइगर? तुम तो खुद समझदार आदमी हो, लेकिन एक बात जरूर है कि वो आदमी जब तक जिंदा रहा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारी तरफ कोई नजर उठाकर देखता। मेरा टाइगर उससे भी तो हाथ आगे निकलेगा जगन से। क्यों नहीं, क्यों नहीं टाइगर। एक काम करो, तुम आज से रुस्तम की जगह संभाल लो। कुलभूषण तुम्हें हमारे सारे कारोबार समझा देगा। ओह यस, जाओ आओ टाइगर। ओके, ऑल द बेस्ट। टाइगर, ये मुख्तार है, यहाँ का इंचार्ज। आइए। तुम्हारे बारे में जगन सेठ का टेलीफोन आ चुका है। ये बोतलें क्या कर रही हैं? भरी जाती हैं। एक बाटल असली में 10 बाटल नकली मिला के वरंडी की 11 बाटलें तैयार की जाती हैं। हम लोग यहाँ स्कॉच, रेड एंड व्हाइट, गर्जिए की हर किस्म की शराब तैयार करते हैं। अरे सेठ, ड्रम में से 2 मरी हुई छिपकली निकली है। छिपकली? हाँ। छिपकली से तो नशा और भी ज्यादा तेज हो जाता है। जाओ जाओ, बोतलें भरो और अपना काम करो। ठहरो, छिपकली वाले सारी शराब फेंक दो। क्या बात करते हो टाइगर, इससे तो सिंडिकेट का 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। हर जिंदगी 1000 रुपयों से ज्यादा कीमती है। फेंक दो। तुम चीज क्या हो जो यहाँ आकर अपना हुक्म चला रहे हो? जाओ अपना काम करो। मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं हूँ। ज्यादा बड़बड़ की तो जुबान खींच कर हाथ में दे दूंगा। अरे अरे, ये क्या करते हो टाइगर? ये बेचारा तो इसका हुक्म मानता है और ये तुम्हारा हुक्म मानेगा? जान, सब ब्रांडी फेंक दो। आओ टाइगर, अब तुम्हें दूसरी ब्रांच दिखाएं। आओ। ये है कौन? अरे ऐसे कई आए और कई चले गए। तुम ब्रांडी बोतलों में भर दो, देखा जाएगा। जेंटलमैन, मुझे यहां इसलिए ट्रांसफर किया गया है कि यह इलाका जुर्म की ज्यादतियों की वजह से बहुत बदनाम है और इसकी रोकथाम के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत से कदम उठाए हैं। जगह जगह पर स्पेशल फोर्स, मोबाइल दस्ते और ऑफिसर्स की सूटेबल जगहों पर तब्दीलियां भी की हैं, लेकिन सदर के इलाके में कोई फर्क नहीं हुआ। जुर्म और बढ़ रहा है, गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो ऑफिसर बिकता नहीं वो मारा जाता है। मैं रिटायर होने से पहले उस इलाके को बिल्कुल साफ देखना चाहता हूं। यूं समझ लीजिए कि उस इलाके से मेरी पर्सनल लड़ाई है, इसलिए मैं अपने डिपार्टमेंट के बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर विजय शुक्ला की ट्रांसफर सदर पुलिस स्टेशन में करता हूं। थैंक यू सर। मैं तुम्हें बड़ी आजमाइश की जगह भेज रहा हूं विजय। आपको मायूसी नहीं होगी सर। गुड, दैट्स ऑल जेंटलमैन। विजय, तुम जरा रुकना, अपना ख्याल रखना जी। अरे हाँ, सुषमा का एक मैसेज है। वो आ गई? हाँ, उसने कहा है कि तुम और दीपा कल रात का खाना हमारे यहाँ खाना और मुन्ना को जरूर लेके आना, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। यस, बाय। नाना जी, हिलेगा नहीं? नहीं लूंगा भाई, नहीं लूंगा। चुपचाप से अपनी सारी पब्बियां मेरे हवाले कर दीजिए, वरना। नमस्ते चाची। हेलो सर। जीते रहो, जीते रहो। बेटा जाओ, अब अपने असली नाना जी को प्रणाम करो। अच्छा जी, आप हर वक्त मुन्ना को पिताजी की याद क्यों दिलाते रहते हैं? उसे भूलने क्यों नहीं देते?
बेटी, न मैं आज तक राजनाथ को भूला हूं और न अपनी जीते जी तुम में से किसी को भूलने दूंगा। तुम्हारे पिता के एहसानों का बदला सिर्फ तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने और तुम्हारी शादी कर देने से ही नहीं चुकाया जा सकता। राजनाथ का नाम दोस्ती, वफादारी और इंसानी फर्ज का शानदार नमूना है। काश मंगल मिल जाए, उसे पाए बिना मरने से डर लगता है, क्योंकि वहां अगर राजनाथ ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं बताती हूँ, मंगल को ढूंढ ढूंढ कर आप थक गए डैडी, कहीं पता चला, अब भूल जाइए ना उन्हें। सुषमा ठीक कहती है सर, पुरानी बातों को भूल जाइए, याद करके क्या फायदा। हेलो दीपा। हेलो, हाय। हाँ सुषमा, आज कौन से गांव की धूल फांक कर आ रही हो? अरे जीजा जी, हिंदुस्तान की 3/4 आबादी वही धूल फांक कर आंसू पीकर सो जाती है। होशियार है ना विजय, आज फिर सुषमा अपनी कोई उल्टी सीधी स्कीम सुनाकर हम दोनों की जेब काटने वाली है। बस डैडी, इस बार जो मैंने स्कीम सोची है ना, आप सुनेंगे तो आप भी फड़क जाएंगे। क्या स्कीम सुननी पड़ेगी? अरे पहले खाना खा ले भाई। अरे खाना तो खा लो। राम जी की टाइगर भैया, कैसे हो सूरज सिंह? अच्छा हूँ भैया, सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी से है। इसमें मेहरबानी की क्या बात है भैया, ये लो 10 लीटर डाल लो। तुम्हारी ही तो मेहरबानी है टाइगर, जो आदमी बरसों जेल में रहा हो, अपने गुनाहों का कर्ज उतार चुका हो, फिर उसे समाज कभी माफ नहीं करता। और भाई अगर तुम भी ऐसा सोच लेते तो मुझे नौकरी कहाँ मिलती। क्या बात है? ये मेरी रोटी चुरा के भाग रहा था। चुराई थी रोटी, माँ नहीं देती? सौतेली है ना? नहीं सौतेली नहीं, ये रोटी मैंने अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए चुराई थी। क्या माँ बीमार है ना, 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं, घर में कुछ है नहीं ना। माँ जिस सिलाई की मशीन पे काम करती थी वो भी वहाँ जल ले गया। अपनी माँ के सिवा तुम्हारा और कोई नहीं? नहीं। अरे गोभी बेटे, अरे तू यहाँ क्या कर रहा भाई? तुम इसे जानते हो? हाँ भाई, ये मेरे मोहल्ले में रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, गरीब है बेचारा, इसकी माँ अक्सर बीमार रहती है। एक काम करना, ये कुछ पैसे इसकी माँ को दे देना और इसकी माँ के लिए सिलाई मशीन भी मंगवा देना। अच्छा। सारे जहाँ का दर्द तुम्हारे जिगर में है, हैं? चलो वो जगन सेठ इंतजार कर रहे होंगे, आओ। माँ बेटे को भरपेट खाना खिलवा देना। ठीक है भैया। आए गोपी मास्टर। आपने मुझे बुलाया? हाँ टाइगर, रुस्तम के मर जाने के बाद कुछ लोग जिनकी हैसियत हमारी नजर में कीड़े मकोड़ों से बदतर है सर उठाने लगे हैं। वो समझते हैं कि शायद सिंडिकेट के हाथ कमजोर हो गए हैं। मैं समझा नहीं। तुम जानते हो टाइगर कि दिवाली नजदीक आ रही है और हर साल की तरह इस साल भी चीनी की कमी हो रही है बाजार में, क्योंकि बाजार का 3/4 माल हमारे गोदामों में बंद रहता है, जो बाद में हम दुगने दामों में बेच कर इस कमी को पूरा कर दें। हमारे 4 ट्रक जो गोदाम से बाजार जा रहे थे रास्ते में गायब कर दिए गए। किसने किए? पीटर ने। पीटर? पीटर तो जेल में है जगन सेठ। अब नहीं, वापस आ गया है टाइगर। अगर पीटर से ये ट्रक वापस नहीं लिए गए तो सिंडिकेट की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। ट्रक्स वापस आ जाएंगे। Tiger!
کہ میرا نشانہ چوک رہا ہے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ پیٹر میں تمہارا دوست ہوں۔ دوست تھے کبھی، اب تم سنڈیکیٹ کے کرندے ہو ٹائگر، چلے جاؤ یہاں سے۔ پیٹر تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو اس لیے چلا جاتا ہوں، لیکن میں پھر آؤں گا۔ कौन था डार्लिंग? तुम तो कहते थे इस जगह किसी को पता नहीं, तो आया कैसे? वो कैसे आया? माइकल। यस पीटर। चलने की तैयारी करो, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। ओके। चलो तुम लोग निकलो यहाँ से, कम ऑन। तुम तो हमें गोवा ले जाने को लाए थे। ओह कम ऑन, गेट लॉस्ट, कम ऑन, मूव। تم ہوش میں نہیں تھے اس لیے تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے آ گیا ہوں پیٹر۔ انجام جانتے ہو ٹائگر؟ انجام بعد میں دیکھا جائے گا بیٹے، پہلے یہ بتا وہ ٹرکس کہاں ہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا اس وقت جب تم مجھے یہ بتا دو گے کہ وہ ٹرکس کہاں ہیں۔ بتا بتا بتاتا ہوں۔ واقعی تم ٹائگر ہو، آج تم نے میرا وشواس جیت لیا۔ تم 50 لاکھ کا مال نہیں بلکہ سنڈیکیٹ کی عزت جیت کر لائے ہو، اور اس کامیابی کا سہرا صرف تمہارے سر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ٹائگر کو سنڈیکیٹ میں نمبر 2 پوزیشن دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں جگن سیٹھ، تو پھر ایک جشن ہو جائے تاکہ ہم ٹائگر کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے ملوا دیں۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ Good night.
तुम्हारी परवाज भाई कहाँ है? मालूम नहीं। आप कमाल है, आप भी वहीं मिलते हैं जहां मिलने का ख्याल भी ना हो। मुझे तो वो गोपी पकड़ कर ले आया था। आपने गोपी की माँ को मशीन दिलवाकर गोपी के बचपन को भटकने से बचा लिया। मैं किस काबिल हूँ कि किसी का बचपन दिला सकूं? ये खाकसारी उसे बताइएगा जो आपको जानता ना हो। उस रोज अगर आप नहीं आए होते तो मेरा क्या होता? लेकिन मुझे छुड़ाकर आप तो गायब ही हो गए, मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं दिया। अब आप ही बताइए ना, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात थी? एक बात कहूं? कहिए ना। उस रात आपको जगन सेठ के साथ देखकर कुछ अजीब सा लगा। क्यों? वो लोग अच्छे लोग नहीं है। आपको बुरा लगा मेरी बात का? नहीं। मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आखिर कोई तो कहता। वैसे ये बात कहने के लिए आज तक मेरी जिंदगी में कोई आया ही नहीं। यूं समझिए आज से मैं आ गई। मैं भी क्या रास्ते पर खड़ी खड़ी बातें कर रही हूँ। आइए ना, सामने ही मेरा घर है, एक कप चाय पीकर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ अतीत के साए बार बार मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। भगवान की दया और सरकार की मेहरबानी से करोड़ों रुपए कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा है। आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा कि सारे उत्तर भारत में एक साथ बाढ़ आ गई है। इससे पहले कि सरकारी कमीशन इस बात की तहकीकात करे कि वाकई बाढ़ आ गई है या नहीं, हजारों आदमी मर चुके होंगे, लाखों घर तबाह बर्बाद हो चुके होंगे, सारा उत्तर भारत टाइफाइड, कॉलरा, चेचक और इसी तरह की बीमारियों की जद में होगा और दवाओं की सख्त कमी पड़ेगी। लिहाजा जिन दवाओं की कमी पड़ेगी वो दवाएं हम लोग सप्लाई करेंगे। अगर हम लोग वार फुटिंग पर दवाएं बनाना शुरू कर दें तो? दवाएं नहीं जनाब, नकली दवाएं। वो तो जाहिर है टाइगर, असली दवाओं से क्या फायदा? और इस ऑपरेशन के इंचार्ज भी तुम ही रहोगे और प्रॉफिट में तुम्हें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं मौत की इस तजारत में भागीदारी नहीं करूंगा। तुम मेरी बात मानने से इनकार करोगे? इनकार कर चुका। बात समझने की कोशिश करो टाइगर। बात समझने की कोशिश तुम करो जगन सेठ। मैं लाखों करोड़ों बेगुनाह बेबस इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं भी यहाँ बैठे हुए इन लोगों की तरह शरीफ आदमी नहीं हूँ, मगर इन जैसा गंदा घिनौना कायर और लालची आदमी भी नहीं जो थोड़े से पैसों के लिए लाखों करोड़ों बेगुनाह इंसानों को दवा के नाम पे जहर खिलाकर मारता। इसका अंजाम जानते हो टाइगर? अंजाम की अगर परवाह होती जगन सेठ तो तुम मुझे टाइगर नहीं कहते। टाइगर चिल्लाओ मत। मैंने कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा और ना ही तुम लोगों को करने दूंगा। टाइगर बेटे जरा शांति से काम लो। चाचा तुम चुप रहो, तुम्हारे प्यार की धूप छांव में जवान हुआ हूं, तुम्हें अपनी निगाहों से गिराना नहीं चाहता। तुम्हारी निगाह की हैसियत ही क्या है? तुम एक लावारिस और यतीम बच्चे थे। अगर इसने तुम्हें सहारा ना दिया होता तो कब के भूखे मर चुके होते या भीख मांग मांग कर जवान होते और चोर उचक्कों की तरह जिंदगी गुजारते या किसी जेल में सड़ रहे होते। जगन सेठ जबान को लगाम दो। जवाब दो कि तुम हमारे साथ हो या नहीं। आज की बात सुनने के बाद कोई भी इंसान जिसके सीने में दिल है और जिसके दिल में इंसानों के लिए दर्द है तुम्हारे साथ रहने की सोच भी नहीं सकता है। तुम्हारा तो चेहरा देखने से निगाह मैली होती है। यार जगन सेठ ये आपने क्या किया? टाइगर को जिंदा जाने दिया? वो हमारे सारे राज और ठिकाने जानता है, उसे तो मार ही डालना चाहिए। ऊपर वाले ने हर एक की मौत का एक वक्त और तरीका मुकर्रर कर रखा है। अगर टाइगर चला गया तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुमने उन लोगों का साथ छोड़ दिया है टाइगर, ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है ये तुम नहीं जानते। अब देखना तुम्हें जिंदगी में कितना सुकून और चैन मिलेगा। सुकून और चैन मेरे लिए सिर्फ लफ्ज़ हैं,
میں نے زندگی کی وہ بے رحم سچائی دیکھی ہے جس میں صرف بھوک غریبی اور جرم ہے. سچائی کا راستہ اختیار کرنے میں رکاوٹیں ضرور آتی ہیں لیکن وہ ناممکن نہیں ہے. چھوڑو ہم بھی کس بحث میں پڑ گئے, اور کیا ہو رہا ہے؟ ہونا کیا ہے, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے. پہلے پروگراموں کے بارے میں سوچا کرتی تھی, اب ان کے بارے میں نہیں سوچتی کیونکہ تمہارے بارے میں سوچتی ہوں. اور تم بھی ایک پرچھائی کی طرح ہو, کبھی ہاتھ ہی نہیں آتے اور آپ بھی جاتے ہو تو جانے کی جلدی میں رہتے ہو. سچ تو یہ ہے کہ میں اس وقت جلدی میں ہوں, لیکن اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ کل ضرور ملوں گا, یہیں اور اسی وقت. سچ؟ آؤ. نکلا ہے اور کیا نکلا ہے, آئے ہائے ہائے وحشت محرک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. آہا,
उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है और लैला नजर आता है। हाय 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 दुनिया वालों दाद दो, हमें मुंह क्या देख रहे हो? ये तो मैं खुद हूँ, किसे सुनाऊं? शेर हजम नहीं हो रहा। आहू चश्म हिरनी, क्या मतलब? माफ कीजिएगा, मैं अपनी चौकड़ी भूल गया था, मैं हिरन नहीं शेर कह रहा था। सुनिए, माफ कीजिए, वो जरा माफी, आप सुनिए तो सही। माफ कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। ये कविता जी का घर है ना? हाँ हाँ, कविता देवी का घर है, उन्हीं का घर है, उन्हीं का घराना है। कहिए आपको क्या चाहिए? गजल, ठुमरी, दादरा, नादरा, फादरा। फादरा? फादरा आप नहीं समझेंगी, ये इंग्लिश की लगाई हुई तरकीब है। फादरा बना है फादर से, यानी कि हमारे फादर के ग्रैंड फादर जो थे वो शेक्सपियर थे। विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी के शायर और आपके ग्रैंड फादर हूँ? जी हाँ, वो लखनऊ से पनडुब्बी में बैठ के लंदन की शहर को गए थे, वहीं जाके बस गए। दरअसल उनका नाम विलियम शेक्सपियर नहीं था, उनका नाम था वली मियां शेक्सपियर। उन लोगों ने घिस-घिस के रख दिया विलियम शेक्सपियर। यकीन ना है तो शिजरा देख लीजिए। परवाज भाई, आप नहीं सुधरेंगे। मोहतरमा, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। वो क्या है? ओ, कविता देवी आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। वहशत में एक एक उंगली पहुँचा नजर आता है। आप कविता जी है ना? कविता हूँ जी, नहीं हूँ। देखिए, कई माँ बाप बड़े चंट होते हैं, वो अपने बच्चों के नाम के पीछे जी लगा देते हैं ताकि कोई पुकारे तो लगे कि उनकी बड़ी इज्जत है, जैसे कि बैनर्जी, चैटर्जी, कल्याण जी, आनंद जी। आप हंस लीजिए, बाद में बैठकर बातें करते हैं। शुक्रिया, फरमाइए। हम लोगों की एक संस्था है जिसका काम है गरीब, जरूरतमंद, अपाहिज लोगों की सेवा करना, इसलिए हम चैरिटी प्रोग्राम्स करके पैसा इकट्ठा करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल आपका, सॉरी, तुम्हारा बहुत नाम है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसका फायदा उठाएं। इस महीने की 20 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है, अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारा नाम अनाउंस कर दे। कर दो, जरूर कर दो भाई। अब ये भी बता दो कि तुम पैसा कितना लोगी। ऐसे प्रोग्रामों के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेती। तुम गरीब और बेबस लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हो तो मुझे भी कुछ करने का मौका दो। थैंक यू। ये है हमारे सर्कल के क्रिमिनल्स की फाइल। काफी सेहतमंद फाइल है। हाँ, और वैरायटी भी है। मर्डर, चोरी, डकैती, किडनैपिंग, रेप, नारकोटिक्स। इंटरेस्टिंग। इस फाइल के अलावा कोई और फाइल भी है? नो सर। तो फिर इसमें सर्कल के मास्टर क्रिमिनल का नाम क्यों नहीं है? आई मीन जगन्नाथ सेठ। बंदा हाजिर है माई बाप। आप बुलाएं और भला मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? खड़े रहिए। आप अगर यहां बैठ गए तो फिर किसी शरीफ आदमी को कहां बिठाऊंगा? लगता है आपके आते ही लोगों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरने शुरू कर दिए। इस शहर में कोई किसी को फलता फूलता नहीं देख सकता। अगर आप कुछ दिन यहाँ और रह गए तो आपको असलियत का खुद ही पता चल जाएगा। मैं सब असलियत जानता हूँ। आपके जुए खाने हैं, मटके गड्ढा है आपका, नजायज शराब की भट्टियां हैं आपकी, नकली दवाइयां बनाकर बेचते हैं आप, अनाज दवा का दाम बढ़ाकर बेचते हैं, दुकानदारों को परेशान न करने का किराया वसूल करते हैं आप, और मैं आपकी ये सारी कारस्तानी खत्म करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिस किसी ने भी आपको ये खबरें मेरे खिलाफ पहुँचाई हैं, वो जरूर मेरा कोई दुश्मन है। राम राम राम, क्या लोग हैं। अब तो मैं आपसे ये मांग करूंगा कि आप मेरी छानबीन करवाएं, और अगर मेरे दामन पर आपको कोई दाग धब्बा भी नजर आए तो आप मुझे गोली मार दीजिए। मैं उन लॉन्ड्री को भी अच्छी तरह जानता हूँ जगनलाल सेठ, जहां अपने दामन के दाग धुलवाते हैं। या तो अपने काले धंधे बंद कर दीजिए या फिर इलाका छोड़ के निकल जाइए, वरना जेल में चक्की पिसवाते पिसवाते होलिया बिगाड़ दूंगा आपका। अंडरस्टैंड? गेट आउट। जय राम जी की। आए, तुमको भी बुलवा लिया, तुम तो एक शरीफ आदमी हो। इतने दिन तुम्हारी सोहबत में रहा जगन सेठ, जुर्माना तो उसका भरना ही पड़ेगा। नमस्कार साहब। हाँ, खड़े रहो खड़े रहो।
खड़ा क्यों रहो साहब? इनकम टैक्स देता हूं और उसी से आप तनख्वाह पाते हैं। मुझे मालूम है तुम किस किस्म की इनकम पे टैक्स देते हो, मगर मैं उन लोगों में से नहीं जो बिक जाया करते हैं। मेरे इलाके में अगर तुम जैसों के लिए कोई जगह है तो वो जेल है, और अगर अपनी खैरियत चाहते हो, अगर पुलिस की वर्दी में है तो मैं उसे यकीनन नहीं चाहता हूं। मैं कोई जगन सेठ नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब, जो आपकी धमकियां सुनकर दुम हिलाता हुआ निकल जाऊं। तो क्या करोगे? आप धमकी तो दीजिए, मैं यहीं रहता था यहीं रहूंगा। इंस्पेक्टर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। मेरे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? सबूत भी मिल जाएगा। जब मिल जाए मुझे याद कर लीजिएगा। नमस्कार। टाइगर भैया, क्या बात है सर जी? गोपी की तबीयत एकदम से खराब हो गई है, वो तुम्हें याद कर रहा है, जल्दी चलो। हटो भाई जरा। गोपी, गोपी, अंकल, गोपी, ये है मेरी स्कूल की रिपोर्ट, मैं फर्स्ट आया हूँ। बहुत अच्छे बेटे। माँ, बेटा, गोपी, गोपी, बेटा बोलो। जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, अभी लाया। गोपी, क्या खाया था इसने? इसे सर्दी लग रही थी, मैंने इसमें से थोड़ी सी ब्रांडी दे दी। ये ब्रांडी? गोपी, गोपी! बख्तार, मैंने तुझसे उस दिन सारी जहरीली ब्रांडी फेंकते हुए कहा था ना? तुम कौन होते हो पूछने वाले? वो सब लोग हैं कहाँ? हॉस्पिटल में। कोई शमशान भी गया है कि नहीं? टाइगर, अब तुम्हारे बस का रोग नहीं रहा। अरे मुन्ना कहाँ है? मुन्ना को तो आपका नौकर दोपहर को आकर ले गया। मेरा नौकर? हाँ। लेकिन मैंने तो किसी को नहीं भेजा। वो मुझे मालूम नहीं, आप स्कूल फोन करके पूछ लीजिए। क्या? लेकिन आपने कैसे भेज दिया उसे? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा। कौन ले गया उसे? मुन्ना स्कूल से ही नहीं आया। नहीं आया? कोई हमारे नौकर का बहाना करके उसे स्कूल से ही ले गया। कहाँ गया मेरा बच्चा? कौन ले गया उसे? आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? दुश्मनी? मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? कौन मुन्ना? मेरा बेटा। मुझे तो ये मालूम ही नहीं कि आपका कोई बेटा भी है। मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो टाइगर, तुम अच्छी तरह जानते हो मुन्ना मेरा बेटा है, और मुझसे हिसाब चुकता करने के लिए तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया है। अगर आपसे हिसाब चुकता करना होता इंस्पेक्टर विजय, तो आपसे ही करता।
मैं बाप की बेवकूफियों का बदला बेटे से नहीं लिया करता। झूठ बोलते हो तुम। देखो ये जो मैं तुमसे आप आप करके बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं तुमसे डर गया हूं। मैं तुम जैसे कई वर्दी वालों को देख चुका हूं और कई वर्दी वाले तुम जैसे मुझे भी देख चुके हैं। मुंह संभाल। बताओ मुन्ना कहां है? बता वरना ठोकरे मारते मारते कोतवाली तक ले जाऊंगा, सारा शहर तुम्हारी जिल्लत का तमाशा देखता रहेगा। टाइगर के घर में आकर उसे नहीं ललकारते। रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लो इंस्पेक्टर विजय। मुन्ना मिल गया। मुन्ना, 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 मम्मी, मुन्ना, मम्मी, कहाँ चला गया था तू? तेरे डैडी हमें छोड़कर चले गए मुन्ना। नहीं बेटी नहीं, ये अपने लिए नहीं तो कम से कम मुन्ना के लिए। माँ स्टेशन। हाँ बोलो। क्या टाइगर भाग गया? कौन सी ट्रेन से? सॉरी सर। पहचान कैसे? ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की दो एक चीजों से। कोई और पहचान? बदन की बनावट उस तरह की दूसरी चीजें भी टाइगर के बदन से बिल्कुल मिलती हैं सर। नो सर, हाथ बिल्कुल कुचले गए हैं। ऐसे लाश देख के कोई शनाख्त कर सकता है? नो सर, चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया है। लेकिन आप लोगों को पूरा यकीन है कि वो टाइगर? यस सर, ये टाइगर की लाश है। टाइगर ऐसे क्रिमिनल के लिए भी ये मौत बहुत भयानक है। अबिता बेटी, क्या हुआ सर जुबिया? बेटे बहुत बुरी खबर लाया हूं। क्या हुआ? हमारा टाइगर। क्या हुआ टाइगर को? ये लो पढ़ो इसे। ऐसा लगता है बेटी जैसे टाइगर के साथ हमारा सब कुछ चला गया है।
मैं से काम लो बेटी, मैं से काम लो। ऐसे बस्ती वालों ने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है, इसी तरह तुम्हें बर्दाश्त कर लो। टाइगर इज डेड। ऐसी भयानक मौत और कोई दुआंसू बहाने वाला भी नहीं। लेकिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेट्स सेलिब्रेट। इसके दिमाग से ब्लड क्लॉट निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो नर्स इसे ऑपरेशन के लिए फौरन तैयार करो। अच्छा हूँ और जिंदा। समझिए कि आपको दूसरी जिंदगी मिल गई। मुझे दूसरी जिंदगी की बहुत सख्त जरूरत थी सिस्टर। कैसी तबीयत है अब आपकी? ये है इंस्पेक्टर दुबे, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे पेशेंट को ज्यादा थकाना नहीं। ओके हाँ। कुछ कागजी खाना पूरी करनी है मिस्टर। आपका नाम क्या है? भूल कर भी अपना नाम टाइगर मत बताना। मंगल, मंगल पांडे। पिताजी का नाम? स्वर्गीय राजनाथ पांडे। निवास राजमेर, जिला जयपुर। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारे पिताजी पुलिस में थे? तुम राजमेर के किसी गुप्ता जी को जानते हो? हाँ, राजमेर थाने के इंचार्ज थे इंस्पेक्टर गुप्ता। तब तो तुम वही हो। मैंने आपको पहचाना नहीं। कभी देखा ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? मैं उन्हीं गुप्ता जी की बेटी हूँ सुषमा, लेकिन वो अभी इंस्पेक्टर नहीं है, एसपी है। मैं डैडी को जाकर बताती हूँ कि तुम मिल गए हो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ। क्या मंगल मिल गया? तुम्हारा मंगल मिल गया। मंगल के बारे में देखे हुए तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे राजनाथ, मैं पूरे करूंगा। दीपा। भैया फिर आज किसी से लेके आए हो ना? माँ ये फटी हुई कमीज देखेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी। तुम मेरी शिकायत करोगी? ना, मैं माँ को बोलूंगी मैंने फाड़ी। दीपा। भैया तुम कहाँ खो गए थे? भैया याद भी नहीं आई तुमको? याद तो दिन रात आई, बहुत याद आई, मगर याद करने के सिवा और कर भी क्या सकता था। मेरी बहन तू ठीक तो है ना? अगर ठीक होने का मतलब जिंदा रहना है तो ठीक हूं मैं। दीपा इस बीच बहुत कुछ हो गया भैया, सुहागन बनी, विधवा हुई। गुप्ता अंकल ने बड़े चाव से मेरी शादी की, बेटी की तरह विदा किया। तुम विजय से मिलते तो बहुत खुश होते भैया। भगवान ही समझे उस टाइगर से जिसने मेरी जिंदगी में अंधेरा खोल दिया। टाइगर को उसके किए की सजा मिल गई बेटी। ट्रेन के जिस एक्सीडेंट में तुम्हें चोटें आई उसमें टाइगर भी था, वो मारा गया।
ये तो भगवान से बड़ी नाइंसाफी हुई है अंकल। उसे फांसी मिलती तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। बेटा, अपने मामा जी को नमस्ते करो। नमस्ते मामा जी। उस टाइगर ने तो इसे भी किडनैप करवा लिया था। क्या? हाँ, ये एक दिन उसके कैद में रहा। टाइगर ने इसे किडनैप करवा लिया था? बेटे, तब तो तुम्हें उस आदमी की सूरत बिल्कुल याद होगी जिसने तुम्हें किडनैप किया था। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। यही तो मुश्किल है भैया, इसके दिल में कुछ ऐसा डर बैठ गया है कि ये कुछ बताता ही नहीं। जब कभी उस आदमी का जिक्र होता है तो ये इसी तरह डरने लगता है। नहीं बेटे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बहन। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इंसाफ जरूर होगा। कैसे हो सूरज सिंह? सूरज सिंह कौन हो तुम? इस नाम से तो मुझे सिर्फ टाइगर पुकारा करता था। हाँ, पहचानो तुम? टाइगर भैया, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सच हुई है क्या? तुम नहीं जानते भैया, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर बस्ती में किसी के घर चूल्हा भी नहीं जला है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम ट्रेन के एक्सीडेंट में मर गए। मैं भी बस्ती वालों को बताता हूँ कि टाइगर जिंदा है, उनका देवता जिंदा है। ये सब जिंदा ही, बस्ती वालों को यही मालूम रहने दो कि टाइगर मर चुका है। टाइगर भैया? हाँ सचू, क्योंकि अब मैं टाइगर नहीं हूं, मैं मंगल हूं, मंगल पांडे। मंगल पांडे? लेकिन भैया ये सब है क्या? फिर कभी बताऊंगा। कविता कैसी है? मौत अगर बस की बात होती तो कब की मर गई होती बेचारी, दिन रात रोती रहती है। तुम जाके उससे एक बार मिलाओ तो जी उठेगी। नहीं सचू, अभी बहुत सारी रुकावटें हैं, तुम कविता की देखभाल करते रहना। भैया, तुम्हारे और कविता के लिए तो हमारी जान भी हासिल है। ठीक है सोचो, चलता हूं मैं। सुनो, ऐसे कब तक छुपते रहोगे? जब तक ये पता नहीं चल जाता कि विजय शुक्ला के कत्ल के पीछे दरअसल किसका हाथ है। अरे क्या बात है कुलभूषण, क्या सोच रहे हो? वो नीचे पीटर आया हुआ है, आपने उसे बुलवाया है? हाँ, इसलिए? अरे भाई, टाइगर का काम संभालने के लिए हमें एक आदमी की जरूरत है, तो पीटर से अच्छा कौन हो सकता है? लेकिन वो हमारा दुश्मन है, हमारे साथ काम कैसे करेगा? कुलभूषण, रुपए में बड़ी ताकत होती है, वो जरूर हमारे साथ काम करेगा। आओ पीटर, आओ, कहो कैसे हो। पहले ये बोलो, तुम अपन को बुलाया काहे के वास्ते? देखो पीटर, सिंडिकेट का बिजनेस बहुत बढ़ गया है और सिंडिकेट को तुम जैसे आदमी की सख्त जरूरत है। हम चाहते हैं कि टाइगर की जगह तुम ले लो। टाइगर? दैट बास्टर्ड, वो साला अपनी मौत मरकर अपन का सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। अपन उसके वास्ते बहुत खतरनाक मौत सोचा था सेठ। हमें वो तो मर गया ना, अब छोड़ो उसे। नहीं जगन सेठ, हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को सारा लाइफ एक ही बात जलाता रहेगा कि हम टाइगर से बदला नहीं ले सका। बदला तो तुम अब भी ले सकते हो। कैसे? अरे वो नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड सही। गर्लफ्रेंड कौन है वो? कविता। अरे भाई, जो महफिलों में गाती है। हम तो कहते हैं अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक महफिल जमा दे। जमा दो जगन सेठ। आज टाइगर भैया जिंदा होते तो किसी की हिम्मत थी ऐसा सोचने की, अब कौन बचाएगा उन्हें? घबरा मत, कुछ नहीं होगा कविता को। हाँ बस यही जगह है। आ गए, आए, आए, प्रभास भाई। ये कैसी महफिल है? पता तो यहीं का दिया था ना? 100% यहीं का दिया था। अरे परवाज और पता भूल जाए, शंकर लाल जिसने पता दिया था कमबख्त वही लापता है। पता भी सही दिया था और आप लोग आए भी बड़े अच्छे वक्त पर हैं। आप यहाँ? हमी ने तो आपको बुलाया है। परवाज भाई, मैं इन लोगों के लिए नहीं गाऊंगी। हाँ नहीं गाऊंगी। खोलो,
दरवाजा नहीं खुलेगा कविता देवी। लेकिन जो जब तक हम नहीं चाहेंगे। आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे क्या? शायद। इससे पहले आपको बगैर शराब के सुना था। आज जी चाहता है कि आपका गाना शराब में भिगो भिगो के सुने। क्यों पीटर? अपन तो मर मिटा जगन सेठ। आइए शुरू हो जाइए। कभी नहीं। जिद नहीं करते कविता देवी? नहीं। ए क्या गाजा? कौन है? ओ सलाम अलैकुम। कौन है तुम? इधर खोचे जगन सेठ कौन है? जगन सेठ तो हम हैं, लेकिन तुम अंदर कैसे आए हो? ओए खोचे, हम सुना तुम इधर का सबसे बड़ा बदमाश होता है, इसलिए आया। क्या बकता है? ओ खोचे, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। हम अपनी जुबान में सबसे बड़ा बदमाश का मतलब होता सबसे बड़ा गुंडा, मेरा मतलब है सबसे बड़ा आदमी। देखो खान, इधर हमारा प्राइवेट पार्टी चलता है, समझे? तुम जाओ इधर से। ओए खोचे, हम इधर से जाने के लिए नहीं आया। हम आता था अपना ट्रक के साथ, चार ट्रक जिसमें माल भरा पड़ा था, रास्ते से चोरी चला गया, इसलिए हम सबसे बड़ा बदमाश से मिलने आया। पीटर? नहीं जगन सेठ, वो धंधा तो अपन कब का छोड़ दिया। ओए खोचे पीटर सोक, तुम हमारा ट्रक का माल चोरी किया, पीटर का बच्चा, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं नहीं खान, पहले ये काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता। आखिर उस ट्रक में था क्या? ओए उसमें पिस्ता बादाम चिलगोजा था, जो आज सोने के भाव मिलते। अच्छा? तुम बड़ा बदमाश, इसलिए हम तुमको खिलाएंगे। ओहो ला 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 ला, तुम पीदर सो खोचे, तुमको तो हम हींग खिलाएं। हाँ बहुत महंगी चीज है, क्यों खिलाते हो इसे? खोचे इस फुदक की बुलबुल को क्यों पकड़ रखे? बात मामूली सी है, हम ये चाहते हैं कि ये गाना गाए लेकिन ये गाती नहीं है। ओए बस इतनी सी बात? ओए मर्दूत का बच्चा, छोड़ो पराया औरत को हाथ नहीं लगाने का। ये नहीं गाती, कोई बात नहीं खोचे, हम गाएगा। ये नाचेगी और ये बजाएगी। हाँ हम बजाएगा। खामोश। नहीं नहीं, बजाएगी बजाएगी बजाएगी। टिंग 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 टिंग। खोचे! ओए हुस्न की बुलबुल, ओए इंद की बुलबुल, ओए कहाँ को जाती है जरा सुना। जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला, हर तरफ शोर उठा, लूट लिया लूट लिया। जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला, हर तरफ शोर उठा, लूट लिया लूट लिया। मेरा दिल जान भाई भाई तुझे कुर्बान भाई भाई, मेरा दिल जान भाई भाई तुझे कुर्बान भाई भाई, मेरा दिल जान भाई भाई तुझे कुर्बान भाई भाई। जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला, हर तरफ शोर उठा, लूट लिया लूट लिया। जाने मन नूर है तू, बड़ी मशहूर है तू, जाने मन नूर है तू, बड़ी मशहूर है तू, इश्क में चूर है हम, इश्क में चूर है तू, इश्क में चूर है हम, इश्क में चूर है तू। मुस्कुराता हुआ जिस दम गुल गुलजार चला, हर तरफ शोर उठा, लूट लिया लूट लिया। सुर्ख जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला, हर तरफ शोर उठा, लूट लिया लूट लिया। Oh,
जिगर ये समंदर भी रुके हमें है ऐसा असर ये समंदर भी रुके हमें है ऐसा असर कयामत सी हुई जबकि मेरा यार चला हर तरफ शोर उठा लूट लिया सुर्ख जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला हर तरफ शोर उठा लूट लिया मेरा दिल जान भाई भाई तुझ पे कुर्बान भाई भाई मेरा दिल जान भाई भाई तुझ पे कुर्बान भाई भाई मेरा दिल जान भाई भाई तुझ पे कुर्बान भाई भाई जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला हर तरफ शोर उठा लूट लिया चले गए थे मुझे छोड़कर जानते हो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मुझ पर क्या गुजरी थी सारी दुनिया तुम्हें बुरा कहती और मैं बेबस जिंदा रहने की सजा भुगत रही थी आज अगर तुम नहीं आते तो न जाने वो लोग फिक्र मत करो कविता अब मैं आ गया हूं एक एक तो देख लूंगा अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना कविता मुझे गलत मत समझो लेकिन मेरा कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर रहना बहुत जरूरी है लेकिन क्यों इंस्पेक्टर विजय शुक्ला मेरा बहनोई था और मैं जिंदगी भर विजय की लाश को अपने कंधों पर उठाए नहीं घूम सकता लेकिन ये सब हुआ कैसे इसका मुझे नहीं पता लेकिन इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है जिसका मुझे पता लगाना है कविता दीपा दीपा भैया ये सब तुम क्या उठा लाए बस यूं कुछ जरूरत की चीजें हैं दीपा मुन्ना के लिए और तुम्हारे लिए हाँ अब तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में और है ही कौन ये देखो अरे ये क्या पागल बने देखो अतीत में जाने से कोई फायदा नहीं है दीपा जिंदगी एक सिलसिला है ना और यूं ही चलता रहेगा हाँ अरे हाँ असली बात तो बताना मैं भूल ही गया बहुत जल्द मैं एक मकान लेने वाला हूं और उस मकान में तुम मुन्ना और मैं एक साथ रहेंगे और फिर तुम तो इनसे मिल भी नहीं पाए भैया मिलते तो बहुत खुश होते समझ में नहीं आता उस हत्यारे टाइगर ने इस देवता पर वार कैसे किया मम्मी मम्मी हम आ गए हाँ बेटे देखो तुम्हारे मामा आए हैं नमस्ते मामा जी खुश रहिए नाना जी आइए बताते हैं आपके लिए हम आज क्या लाए हैं आइए भैया तुम मुन्ना से बातें करो मैं चाय बनाकर लाती हूँ देखो भाई हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं पसंद आया रेलगाड़ी अच्छा ये बताओ इसमें हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए दिखाओ ना मामा जी हम तो दिखा देंगे बेटे लेकिन उसको पहले एक बात बताओगे ना एक नहीं दो बताऊंगा पहले इसे खोल के दिखाइए क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जो तुम्हें स्कूल से उठाकर ले गया था अरे बोलो ना नहीं 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 बेटे नहीं मैंने कहा था ना इस आदमी के बारे में से कभी कुछ मत पूछना हाँ तुमने कहा तो था दीपा भैया मेरे जीवन में इसके सिवा रोशनी की और कोई किरण नहीं है भगवान न करे अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी दीपा ऐसे कुछ नहीं होगा दीपा जब तक मैं जिंदा हूं इसे कुछ नहीं होगा आपने मुझे बुलाया तुम आ गए मंगल ये लो इस फॉर्म को भर दो और दस्तखत कर दो ये क्या अंकल तुम जानते हो मंगल तुम्हारे पिताजी की ख्वाहिश थी कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बनो वो वक्त आ गया है पुलिस ऑफिसर
मैं पुलिस ऑफिसर? ये कैसे हो सकता है अंकल? मैंने डिपार्टमेंट से सिफारिश की थी कि स्वर्गीय राजनाथ की सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके बेटे को पुलिस ऑफिसर बना दिया जाए। उन्होंने मेरी सिफारिश मंजूर कर ली है। तुम जब तक ये फॉर्म भरो, मैं भी आता हूं। ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक खूनी हो और खूनी पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकता। लेकिन मैंने विजय शुक्ला का खून नहीं किया है। कानून की नजरों में तुम ही मुझे हो। तुम सोच भी नहीं सकती हो कविता इन दिनों मुझ पर क्या गुजर रही है। मेरा अतीत साए की तरह मेरा पीछा कर रहा है। ऐसी हालत में पुलिस की वर्दी मैं कैसे पहन लूं? इतने बड़े झूठ के सहारे मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं? जो बीत गया है उसे भूल जाओ टाइगर, अब जो करोगे वही सच होगा। मुझे ऐसा लगता है कविता, जैसे मैं गुनाहों की सजा से बचने के लिए रूप बदल रहा हूं, जुर्म से लड़ने के लिए नहीं। नहीं टाइगर, मेरा दिल तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि विजय का खून तुम्हारे हाथों हुआ है। यह हाथ कभी किसी का खून नहीं कर सकते। विजय की कहानी जहां से खत्म हुई है, अपनी कहानी वहीं से शुरू करो। पहले अपने लिए लड़ते थे, अब कानून और सच्चाई के लिए लड़ो। मंगल पांडे, तुम्हारे पिता स्वर्गीय राजनाथ पांडे एक बड़े ईमानदार पुलिसमैन थे। सरकार उन्हें सम्मान देती है, इसलिए उनकी याद का एहतराम करते हुए तुम्हें सब इंस्पेक्टर मुकर्रर किया जाता है। हमें यकीन है कि तुम भी अपने पिता हवलदार राजनाथ पांडे की तरह अपने फर्ज को पूरी तरह निभाओगे। जरूरत पड़ी तो उन्हीं की तरह मैं भी अपने फर्ज के लिए जान दे दूंगा सर। वेरी गुड। आपका सपना आज पूरा हुआ पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। आज राजनाथ की आत्मा अपने बेटे को इसी यूनिफॉर्म में देख के भूली नहीं समाती होगी। ये सब आपकी बदौलत हुआ है अंकल। मुबारक हो भैया, पिताजी का ये मेडल तुम्हारे लिए। ये मेडल उन्हें अंकल की जान बहादुरी से बचाते हुए मर जाने पर मिला था। मर जाने पर नहीं बेटी, फर्ज की राह पे शहीद हो जाने पर मिला था। अभी नहीं अंकल, पहले अपने आप को पिताजी के इस मेडल के योग्य साबित कर लेने दीजिए। अंकल, विजय मर्डर केस की फाइल एक बार फिर से खोलने के लिए क्या मेरी पोस्टिंग उसी पुलिस स्टेशन में नहीं हो सकती? प्लीज अंकल। क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। खड़े रहिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग देसाई। वेलकम टू द मोस्ट नोटोरियस पुलिस स्टेशन। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। सिगरेट? थैंक यू, मैं सिगरेट नहीं पीता। तो ये सबसे नोटोरियस पुलिस स्टेशन है जी देसाई। कानून गलती ये करता है जो मुजरिम से हमेशा एक कदम पीछे रहता है। दरअसल कानून को हमेशा मुजरिम से एक कदम आगे रहना चाहिए। आज इस पुलिस स्टेशन में हम इस नए ट्रेडिशन की बुनियाद डालने जा रहे हैं। हम जुर्म का इंतजार नहीं करेंगे। राइट सर। देसाई, मिस्टर विजय शुक्ला के मर्डर केस की फाइल ले आना,
वो केस तो क्लोज हो चुका है सर। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर शुक्ला वॉज अ ग्रेट मैन सर, सो ऑनेस्ट सो स्ट्रेट सो ब्रेव। उन दिनों भी मैं यही था, सारे इलाके के बदमाशों को हिलाकर रख दिया था उन्होंने। एक दिन वो टाइगर नामी गुंडे को पकड़ने गए, शायद वहीं बात पड़ गई। इंस्पेक्टर शुक्ला ने भी एक गोली चलाई पर उनका निशाना चूक गया और टाइगर की गोली ठीक निशाने पर लगी। टाइगर की गोली, मगर उस वक्त तो मेरे पास पिस्तौल नहीं थी। मर्डर वेपन मिला? जी नहीं, ना मर्डर वेपन मिला ना टाइगर। खैर वो तो उसी दिन ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया, दैट बास्टर्ड। व्हाट? जी हाँ, आई मीन टाइगर। फाइल अभी लाया। मैं अंदर आ सकता हूं? कम इन। मेरा नाम जगनलाल सेठ है। सुना कि इंस्पेक्टर शुक्ला की जगह आप तशरीफ लाए हैं, सोचा सलाम करता चलूं, इसी बहाने परिचय भी हो जाएगा। हमारा परिचय तो बहुत पुराना है जगन सेठ जी। जुर्म और कानून का परिचय तो हजारों साल पुराना है जगन सेठ। यहाँ के लोग कान भरने में बड़े उस्ताद हैं, आपके आते ही शुरू हो गए। लगता है आपसे इससे पहले कहीं मुलाकात हुई है। हजारों बार कहा ना, जुर्म और कानून का परिचय हजारों साल पुराना है। तुम्हारे कई रूप हैं जगन सेठ, मेरे भी कई रूप हैं। खड़े हो। नागरिकों का आदर करना सीखिए इंस्पेक्टर मंगल पांडे साहब। यही गलती इंस्पेक्टर शुक्ला जी से भी हुई थी, वो याद आते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। ऐसा शरीफ आदमी और ऐसी खराब मौत। चेतावनी का शुक्रिया जगन सेठ, लेकिन मैं स्वर्गीय इंस्पेक्टर विजय शुक्ला जैसा शरीफ आदमी नहीं हूं। इसलिए आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारी करतूतों की सजा दिलवाए बिना मैं नहीं मरूंगा। भगवान आपकी उम्र लंबी करे इंस्पेक्टर मंगल पांडे साहब, पर मौत और जिंदगी का क्या भरोसा। अब देखिए ना, मेरे पिताजी पूजा करते करते चल बसे, मौत कोई अपने आने का तार थोड़ी देती है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक बात सुनते जाओ जगन से, या तो तुम अपनी हरकतें छोड़ दो या फिर यह शहर, वरना तुम जानते हो मेरा नाम मंगल पांडे है। तो फिर एक बात आप भी सुन लीजिए, आप नए नए आए हैं, वरना इस शहर में तो ये बात मशहूर है कि जगनलाल सेठ को आज तक न किसी ने हराया है और न डराया है। ये बात कल तक मशहूर थी जगन सेठ, आज इंस्पेक्टर मंगल पांडे आ गया है तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें हराने के लिए। तो फिर अपना शौक पूरा कर लीजिए।
की एक हद होती है इंस्पेक्टर साहब। भारत एक प्रजातंत्र देश है, यहाँ पुलिस की धांधली नहीं चल सकती। क्या हक है आपको मेरे इन आदमियों को पकड़ के यहाँ बुलाने का? अच्छा, ये शहर के सारे छटे हुए बदमाश तुम्हारे आदमी हैं? इस शहर का हर आदमी मेरा है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। बेगुनाहों की मदद करना मेरा फर्ज है। ये सब शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी? ये सब शरीफ आदमी है? ये है गिरधारी लाल जो जुए खाना चलाता है, ये है मुख्तार अहमद जो शराब की भट्टी लगाता है, ये है अशरफी लाल जो नकली दवाइयों का धंधा करता है, और ये है श्रीमान केशव राणा जो उन लोगों के हाथ पांव तोड़ते हैं जो कर्ज पे 5% महीवार सूद नहीं दे पाते, और ये है कूल कलंक कूल नाशक मगर इनका नाम है कुलभूषण जो चरस गांजा और कोकीन का व्यापार करते हैं, ये है जेब कतरों के सरदार श्रीमान रघु राय जी, और ये है जानकी दास काला व्यापार में नंबर एक। हो सकता है इनमें से किसी ने खून भी किया। कैसा खून? किसका खून? खून तो सबका लाल होता है जगन सेठ। इस वक्त मैं स्वर्गीय इंस्पेक्टर विजय शुक्ला के खून की बात कर रहा हूं। विजय शुक्ला का खून तो टाइगर ने किया था। तुम झूठ बोलते हो। साबित कीजिए। पहले ये बताइए कि आप इन लोगों को छोड़ते हैं या नहीं? हरगिज नहीं। तुम अदालत में इनकी जमानत की एप्लीकेशन करो। देसाई, बंद कर दो इन सबको। ठीक है।
इसने कातिल के बारे में कुछ ना पूछू। खून के कातिल के बारे में पुलिस को सब कुछ मालूम है। पुलिस को कुछ नहीं मालूम है, तुम यहां से चले जाओ दीपा। अगर इसके दिल से डर नहीं निकाला गया तो जिंदगी भर बुजदिल से रहिएगा। छोड़ दे इसे। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम यहां से चले जाओ भैया। मैं कहता हूं दीपा, तुम यहां से चले जाओ भैया। यहां से चले जाओ दीपा, जाओ अंदर। चलो भगवान के लिए तो छोड़ दो भैया। भैया भगवान के लिए दरवाजा खोलो। अब बोल। मुझे नहीं मालूम कौन था वो, कैसा आदमी था। मुझे नहीं मालूम। नहीं बताओ, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताओ। बताऊंगा तो मेरी मम्मी को मार डालेगा। क्या मार डालेगा? ए, कौन मार डालेगा? वही जो मुझे उठा कर ले गया था। डरो मत बेटा, तुम्हारी मम्मी मेरी बहन है, और किसी की हिम्मत है जो मेरे होते हुए तुम्हारी मम्मी को हाथ भी लगा जाए? बताओ कौन था वो? वो एक गोरा सा आदमी था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। गोरा सा आदमी, जरा गौर से देखो मन्ना, इनमें से कोई है? नहीं। वो भी नहीं। वो भी नहीं। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। बीस दिसंबर को तुम कहां थे? मुझे ठीक से याद नहीं। तुम उस दिन को कभी भूल नहीं सकते। 20 दिसंबर को तुमने स्कूल से एक बच्चे को किडनैप किया था। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी बच्चे को किडनैप नहीं किया। किया? उस आदमी का नाम भी याद करो जिसने तुमसे ये नीच काम करवाया था। कोई आदमी नहीं साहब, मैंने ऐसा काम ही नहीं किया तो आदमी कौन होगा? था। देखो, मेरा नाम मंगल पांडे है, और तुम इस अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेले हो। मैं तुम्हारे बदन के हर जोड़ से उस आदमी का नाम पूछ कर रहूंगा। बोलो कौन था वो? कहा ना साहब, कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो ये काम तुमने अपनी मर्जी से किया था? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम। शायद तुम ये नहीं जानते, उस बच्चे ने तुम्हें पहचान लिया है। वो मुझे नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वह बेहोश था। लाइट्स। जगन सेठ, इंस्पेक्टर मंगल पांडे ने सुजीत को गिरफ्तार कर लिया है। हम जानते थे कि एक न एक दिन ये हो के रहेगा। वैसे मंगल पांडे बहुत होशियार लड़का है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा ही होशियारी कर जाता है, और किसी चीज की जाती बुरी होती है। अगर सुजीत ने कुछ पक दिया तो क्या गजब हो जाएगा। हम सांप का मंत्र जानते हैं, तब कहीं जाके बिच्छू की बिल में हाथ डालते हैं। पहचाना इस घर को? देख गौर से, देख ये टाइगर का घर है। देख वो जगह, देख जो इंस्पेक्टर विजय शुक्ला के खून से दागदार हुई थी, और यहां से इंस्पेक्टर विजय शुक्ला के शरीफ और बेगुनाह खून की महक आज भी आ रही है। मैंने किसी को खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं कहता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने यहीं से छुप कर इंस्पेक्टर विजय शुक्ला को मारा था, और अब इस जुर्म में तुझे फांसी हो। मैंने खून नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूं,
आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी गुना हूँ। अपनी तकदीर से भाग कर कहाँ जाएगा साले, बता दे सच सच वरना तेरे बदन की एक हड्डी तोड़ डालूंगा। बताता हूँ साहब, हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए जल्दी। बताता हूँ साहब, देखिए था बच्चा मुझसे उठाया गया था, बच्चा मैंने उठाया लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया था? बताता हूँ साहब, तुम ही वहां से भाग कर आए हो। जिस तरह से तुमने सुरजीत को मारा है, इंस्पेक्टर विजय भी उसी तरह से मारा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि इंस्पेक्टर विजय का कातिल भी तुम ही हो। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। आप कानून के ठेकेदार जरूर हैं लेकिन किसी निहत्ते पर गोली नहीं चला सकते। गिरफ्तार करके फांसी तो दिलवा सकता हूं। सरकारी वर्दी पहनकर आपने जो इज्जत कमाई है आप उसे इतनी आसानी से गंवाना पसंद नहीं करेंगे। और आपकी बेवा बहन जो आपकी पूजा करती है आप उसकी निगाहों में अपनी इज्जत गंवाना पसंद नहीं करेंगे। क्या वक्त हो? वक्ता नहीं, अर्ज करता हूं इंस्पेक्टर मंगल पांडे और टाइगर। फिलहाल मेरी बातें तुम मानोगे और बाकी लोग इंस्पेक्टर मंगल पांडे और टाइगर की उंगलियों के निशानात मिलाकर देखेंगे और वो भी मानेंगे। इसे तो तुम अपनी जेब में ही रखो। और अगर तुम ये समझते हो कि मुझे गोली मारकर ये किस्सा खत्म कर दोगे तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि मेरे और भी आदमी हैं जो पुलिस को असलियत का पता बता देंगे। इसलिए बेहतर यह है कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी और माल भी मिलेगा। वरना एसपी साहब को किसी वक्त भी तुम्हारी असलियत का पता चल सकता है। एक बात तुम भी गौर से सुन लो जगन सेठ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटे मैं तुम्हें कहां छोड़ रहा हूं, अब तो तुम्हारा और मेरा जन्म जन्म का साथ रहेगा। लेकिन एक बात तुम भी गौर से सुन लो, वर्दी तुम सरकार की पहनोगे और हुक्म मेरा मानोगे, समझे? वरना पिछली दफा तो तुम बच गए थे, अब के नहीं बचोगे। पहचानते हो इसे? यस सर, इसे मैंने ही गिरफ्तार किया था, एक केस भी चल रहा है इस पे। हाँ उसी केस में ये जगन सेठ के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हो गया है। अब जगन सेठ कानून से नहीं बच सकता। जगन सेठ इसे खामोश करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अब जल्द से जल्द इसका बयान दिलवाने की कोशिश करो ताकि इसकी जान का खतरा भी कम हो जाए। यस सर। देखो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम हमारे बेहतरीन अफसर की हिफाजत में हो। इंस्पेक्टर साहब जरा आप इधर आइए। अरे साहब आप ही जाइए, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा, आप तो जानते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूं।
इस तरह सरेआम मिलना ठीक नहीं है जगन से। मैं आपको इतनी जल्दी कष्ट नहीं देता, पर क्या करूं, एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है। आइए अंदर तो आइए। मुझे एक आदमी की बड़ी सख्त जरूरत है। किसके? कुलभूषण। मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इनकार करना तुम्हारे अख्तियार में है। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। तुम मेरा काम करते रहोगे और मैं तुम्हारा। पर ये मेरी इज्जत, मेरी नौकरी का सवाल है। टाइगर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल कर दूं। अरे मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी इज्जत और ईमानदारी पर आज तक नहीं आएगी। कुलभूषण का क्या होगा? अब तुम ऐसे भोले भी नहीं हो टाइगर कि ये नहीं जानते कि कुलभूषण का क्या होगा। तो फिर आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ओल्ड बैरक रोड वाले बंगले पर। चलो ड्राइवर। लाल सिंह जिंदा है कुत्ता। कौन सी जगह है ये? आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? अभी पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर मंगल पांडे, जो आपने इस जलील से हमारी मुलाकात करवाने में मदद की। क्या इंस्पेक्टर, ये सब तुमने किया है? बेईमान, तूने अपने आप को और अपने फर्ज को जगन सेठ के हाथों बेच दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे पूछा था इंस्पेक्टर कि तुम इस इल्जाम से कैसे बचोगे, तो गौर से सुनो। प्लान ये है कि कुलभूषण तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत दिखाने के लिए यहां ले आया। यहां आने के बाद उसने भागने की कोशिश की और तुमने उसे गोली मार दी। इसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया है, तो फिर ये भागेगा क्यों? सरकारी गवाह बनना तो इसकी एक चाल थी। दरअसल ये मुझे ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठना चाहता था। मैं तैयार हो गया। जब रुपया इसके कब्जे में आ गया तो फिर ये पुलिस के पास क्यों ठहरता? लिहाजा बातें बनाकर ये तुम्हें यहां ले आया। यहां आने के बाद इसने भागने की कोशिश की, तुमने इसे रोका। इसने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। इससे पहले कि तुम इस पर काबू पाते, इसने तुम पर गोली चला दी, पर घबराहट में इसका निशाना चूक गया। इसने तुम पर दोबारा गोली चलाने की कोशिश की, तब मजबूरन तुमने अपने सर्विस रिवॉल्वर से इसे गोली मार दी और ये मर गया। इस रिवॉल्वर पर कुलभूषण की उंगलियों के निशान हैं, जिसे मैंने परसों से महफूज कर रखा है। लिहाजा इसकी गोली तो चल चुकी, अब तुम अपनी गोली का कमाल दिखाओ इंस्पेक्टर। मैं किसी का मर्डर नहीं करता। ये मत भूलो कि इससे पहले भी तुम एक मर्डर कर चुके हो टाइगर। टाइगर? टाइगर? लेकिन टाइगर तो ये नाम भी तुम्हारा ही दिया हुआ है कुलभूषण। टाइगर? मेरा टाइगर? कुलभूषण तुम्हें पहचान गया है टाइगर, अब तो तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा। मैं अगर फिर भी इनकार करूं तो? तो फिर एक बात सुन लो। जिस तरह मैंने इंस्पेक्टर विजय शुक्ला का खून किया था और इल्जाम टाइगर पर आया था, इसी तरह अब मैं कुलभूषण का खून करूंगा और इल्जाम मंगल पांडे पर आएगा। चाल बहुत अच्छी सोची जगन सेठ। जो काम मैं नहीं करना चाहता था वो अब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। नहीं,
तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है, बाप का सब प्यार दिया है टाइगर तुम्हें। चाचा, तुमने दौलत को हमेशा ज्यादा चाहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसा कमाने का एक जरिया था, और फिर वक्त पे सारे रिश्ते टूट जाते हैं चाचा, समझो आज ये रिश्ता भी खत्म हुआ। नहीं नहीं टाइगर, नहीं 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 टाइगर। पहला मर्डर तो वाकई तुमने नहीं किया था टाइगर, लेकिन कुलभूषण का मर्डर तो तुमने इस कैमरे के सामने किया है, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। बस ये समझ लो कि कैमरा एक तरह का पिंजरा है जिसमें हमारा टाइगर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया। अब तुम कुलभूषण की मौत की रिपोर्ट तैयार करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मेरा प्लान तो खत्म हुआ। अच्छा टाइगर, हम चलते हैं। इतनी जल्दी भी क्या सरकार, प्लान अभी खत्म कहां हुआ? कहना क्या चाहते हो तुम? चाचा, काम करना कुछ अच्छा नहीं लगता जगन से, इसलिए इस पिस्तौल में असली गोलियां भरी हैं। सब लोग इधर आ जाओ। कैद नहीं कर सका, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी अजीबो गरीब सी टेप रिकॉर्डर है जिसने तुम्हारी आवाज को कैद कर लिया है। जिस तरह मैंने इंस्पेक्टर विजय शुक्ला का खून किया था और इल्जाम टाइगर पर आया था, और ये आवाज मेरी बेगुनाही का सबूत और तुम्हारा इकरार जुर्म है, और अब तुम मेरी हिरासत में हो। चलो अबे चलो मोटे, चल। जगत से भाग गया टाइगर, भाग गया, कोई बात नहीं, कहां तक भागेगा? वो समझता है कि उसने जगन सेठ को खत्म कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि जगन सेठ के हाथ कानून के हाथों से लंबे हैं। जो खेल टाइगर ने शुरू किया है वो अब उसकी मौत पर ही खत्म होगा। देसाई, अब वक्त आ गया है कि जगन सेठ की काली करतूतों का सबको पता चल गया है। मैंने तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, तुम जरा एसपी साहब को फोन लगाओ। यस इंस्पेक्टर मंगल पांडे, प्लीज। सर, आपका फोन। हेलो, मैं जगन सेठ बोल रहा हूँ। तुम? कुछ कहने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बहन और उसका बच्चा हमारे कब्जे में। क्या? अगर वो टेप लेकर तुम मेरे पास होटल गोल्डन पहले आधे घंटे के अंदर नहीं पहुँचे तो तुम्हारी बहन और उसके बच्चे को गोली मार दी जाएगी। पुलिस स्टेशन से होटल तक मेरे आदमी तुम पर नजर रखेंगे। रास्ते में तुम किसी से बात नहीं करोगे, और अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम तुम जानते हो। जल्दी करो टाइगर, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं देसाई, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सरजू भैया? अभी तो मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन सेठ के आदमी दीपाल मुन्ना को उठा के ले गए हैं।
और उसकी नौकरानी से कहे गए कि अगर टाइगर अपनी बहन और मुन्ना की जिंदगी चाहता है तो कोई टेप लेकर होटल गोल्डन पैलेस पहुंचाए। लेकिन टाइगर है कहाँ? मुझे भी नहीं मालूम, कल से मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मैं होटल गोल्डन पैलेस जाकर उन लोगों को बचाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कविता, तुम अकेली कैसे जाओगी? फिक्र मत करो, वहाँ की कैबरे डांसर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। आप टाइगर को ढूंढिए। टाइगर बहुत चालाक आदमी है, वो पुलिस स्टेशन में किसी न किसी से कुछ न कुछ कह कर आएगा, इसलिए मैं उसकी बहन और बच्चे को लेकर पुरानी हवेली जाता हूँ। तुम नीचे रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ कैबरे शुरू होने वाला है, और हर शख्स पर अच्छी तरह नजर रखो। जब तुम्हें यह इत्मीनान हो जाए कि टाइगर अकेला है तो उसे लेकर पुरानी हवेली आ जाना। ओके। Yeah, I'm
कहती हूँ मैं, लेकिन ना कहती हूँ मैं। नो 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 पार्टी, नो पार्टी, हे नो पार्टी, नो नो पार्टी। तुम? हाँ, तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन है। निकल जाओ यहाँ से। जानती हो गुड लक किसको कहते हैं? जब मछली अपने आप जाल में फंस जाती है। अपन तो इसी दिन का इंतजार में था डार्लिंग। हट जाओ मेरे रास्ते। कहाँ भागती हो? कहाँ भागती हो? कहाँ भागती हो? रामजादे, आज तो पीटर के हाथ से नहीं बच सकती। टाइगर, मारो इस कुत्ते को, मारो इसे, मारो इसे। बता जगन से दीपा और मुन्ना को लेकर कहां गया है? इससे ये पूछो टाइगर कि लाल सिंह कहां है। लाल सिंह? हाँ टाइगर, जिसे तुम आज तक जगन सेठ समझते रहे वो दरअसल लाल सिंह डाकू है। जगन सेठ लाल सिंह डाकू? जिसने मुझे मारना चाहा, जिसने तुम्हारे पिता का खून किया, वो ही लाल सिंह। मैं पूछता हूं कहां है पीटर? ये सब हुआ कैसे? टाइगर कहां है? तुम गधे हो। सुनो, टाइगर इधर ही आ रहा है, होशियार हो जाओ। जैसे उसे देखना गोली मार देना। टाइगर, दीपा और मुन्ना कहां है? टेप लाए हो? ये सब बातें बाद में होंगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो जगन सेठ। अगर मेरी बहन या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बहन और बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है टाइगर। टेप वापस करके उनकी जान बचा लो। जिस तरह मैंने इंस्पेक्टर विजय शुक्ला का खून किया था और इल्जाम टाइगर पर आया, पहले दीपा और मुन्ना को चले जाने दो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इंस्पेक्टर। अभी तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है। तुम्हारे आदमियों के हाथ में भी बंदूकें हैं, उनसे कह दो कि बंदूकें फेंक दें। केशव, भैया जी। दीपा, बाहर मेरी जीप खड़ी है, तुम मुन्ना को लेकर उसमें चली जाओ। नहीं भैया, मैं तुम्हारे ही साथ जाऊंगी। जो मैं कह रहा हूँ करो दीपा, जाओ जल्दी करो। तुम क्या समझते हो तुम ये टेप लेकर बच गए? तुम पुलिस से बच सकते हो, तुम कानून से बच सकते हो, लेकिन तुम मुझसे कैसे बचोगे लाल सिंह? लाल सिंह?
तुमने अपनी जिंदगी में इतने खून किए हैं लाल सिंह कि शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम्हारे हाथों मरने वालों में एक राजनाथ पांडे भी थे। हवलदार राजनाथ पांडे? कौन हो तुम? मैं स्वर्गीय राजनाथ पांडे का बेटा मंगल पांडे हूं। 20 बरस से मैं तुझे तलाश कर रहा था। आज मैं तुझसे गिन गिन कर हिसाब लूंगा। अपनी बहन के सुहाग का, अपने पिता के खून का और अपनी जिंदगी की तबाही का। इस जगह को पहचानता है तू? इसी जमीन को एक दिन तूने मेरे पिताजी के खून से लाल किया था। अब मैं तेरे खून से इस जमीन को लाल कर दूंगा। ए मंगल सर। ए, सर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो सर। कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। सर आप नहीं जानते सर, ये आदमी जितने जगन सेठ का चोला पहन रखा है, दरअसल में लाल सिंह डाकू है। इसने मेरे पिता का खून करके मुझे यतीम बनाया। इसने आपको मारने की कोशिश की सर। इसने विजय शुक्ला का खून करके मेरी बहन को विधवा बनाया है। ये नीच और कमीना मर जाने के काबिल है सर। इसने नकली दवाइयों का व्यापार करके न जाने कितने मासूमों की जान ली है। मुझे इसे मार डाल दीजिए सर। मुझे मालूम है, मुझे कुलभूषण ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिक्र न करो, कानून इसे सजा देगा।